press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का बड़ा ही दमदार और जबरदस्त इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो यास्मीन मैं आपको कहूंगी कि वेलकम टू द फर्स्ट शरिया लॉ स्टेट इन भारत, क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ ना, और आपने मुझे ज्वाइन किया है उत्तर प्रदेश से जी। और हमारा पश्चिम बंगाल जो है वो फर्स्ट शरिया लॉ स्टेट हो चुका है भारत के अंदर। हमारे भारत में 28 स्टेट है जिसमें पश्चिम बंगाल शरिया लॉ स्टेट हो चुका है। आपने हमीदुर रहमान जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो MLA हैं, उन्होंने जब ये घोषणा किया और सारे चैनल्स के सामने किया कि जहां पर शरिया लॉ होता है वहां पर शरिया सभा इंसाफ भी होता है, क्या उसके बाद फिर ममता बैनर्जी साहिबा ने कोई ट्वीट किया? हमीदुर रहमान जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर असेंबली है उनके बात की निंदा की, या उनके बात को काटा, या उनको सस्पेंड किया, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा कि उसने गलत कहा है? नहीं, एक भी ट्वीट नहीं आया है ममता बनर्जी साहिबा का। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमीदुर रहमान साहब को ये पावर दिया था कि वो खुद ममता बनर्जी ना बोल करके अपनी जुबान से हमीदुर रहमान की जुबान से वो बुलवाएं कि पश्चिम बंगाल शरिया कानून का स्टेट बन चुका है और भारत का ये पहला राज्य है जो शरिया कानून के से चलेगा और शरिया इंसाफ सभा लगाया जाएगा। अब आती है बात के हमीदुल रहमान साहब ने जो TMC के विधायक है, ममता के बहुत लाडले विधायक है, उन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन भी कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी, और ये जो सेंट्रल फोर्स आया है ये 2 महीने रहेगा, उसके बाद तो फिर हम ही हैं का मतलब सिर्फ हम नहीं, मतलब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री या श्रीमती ममता बनर्जी नहीं, मतलब ये जो वर्दी पहने हुए पश्चिम बंगाल के पुलिस है ये भी पपेट है, ये भी चाटुकारता वर्कर है तृणमूल कांग्रेस के। मॉब लिंचिंग, तोलाबाजी, मर्डर, रेप, बच्चों का रेप, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है वेस्ट बंगाल में, बहुत नॉर्मल है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर CBI ऑफिसर लॉकअप होते हैं, NIA के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, जो NSG से ऑफिसर्स आते हैं उनको उनके ऊपर FIR करने की कोशिश की जाती है, जो ED से ऑफिसर्स आते हैं उनको जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को बताना पड़ता है कि हम बंगाल नहीं जाएंगे किसी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहां का जो मॉब है, जो गैदरिंग है मुसलमानों का, वो मर्डर करने चला आता है। NIA के ऑफिसर्स पर और सेंट्रल सिक्योरिटीज जो BSF होते हैं, CISF होते हैं, उनके ऊपर रेप के FIR होते हैं, हमारे महामहिम गवर्नर साहब के ऊपर रेप के आरोप लगते हैं और FIR होते हैं। तो पश्चिम बंगाल एग्जैक्टली पाकिस्तान जैसा है। आप जैसे ही संवैधानिक कानूनी बातें कीजिएगा, आप जैसे ही सिविलाइजेशन संस्कृति और सभ्यता की बातें कीजिएगा, आप जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वालों को आप उंगली दिखाइएगा या उनको याद दिलाइएगा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप बियॉन्ड द बैरिकेट ऑफ लॉ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लॉकअप हो जाइएगा, आपके ऊपर बहुत सारे FIR हो जाएंगे और आपकी तकदीर को तोड़ने और फोड़ने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। यही है वेस्ट बंगाल। आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से बैठी हूँ, मेरा बहुत नाम रुतबा है? हाँ है, बहुत है, लेकिन मुझे भी जेल भेजा गया था, मेरे पर भी FIR हुआ है, मेरे घर में सुबह में 6 बजे 150 से ज्यादा पुलिस घुस गई थी और उसके बाद मुझे उठा करके लेके गई। हाँ ये जरूर है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगे थे वो कभी साबित नहीं कर पाया गया, क्योंकि जब आग लगती है तब चिंगारी उड़ता है, जब आग लगी ही नहीं
तो आप छाई ढूंढिएगा कहां से। और आज तक मेरे उस अरेस्ट के सिनेरियो को आज तक मुसलमान से लेकर के कुछ सेक्युलर हिंदू हैं, वो उसके वीडियोस को उठा करके मुझे डिफेम और मलाइन करते रहते हैं। यहां तक के जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एज अ कैंडिडेट बशीरहाट से मुझे चुना जा रहा था, तो कई लोगों को जब बहुत तरफ से फोन आ रहा था, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंक्वायरी होती है, एक स्पेसिफिक इंक्वायरी होती है कैंडिडेट को सिलेक्शन करने से पहले, तो मेरे अरेस्ट होने की बात ना पूछने पर भी लोगों ने बताया है फोन पर कि हाँ वो तो एक बार अरेस्ट हुई थी पर ऐसा कुछ है नहीं। तो बताया ही क्यों जब सामने वाले ने पूछा ही नहीं, तो बताने की जरूरत ही क्या थी। जब वो क्वाश हो चुका, जब वो खत्म हो चुका, तो फिर आपने बताया क्यों। तो लोग ऐसे चटखारा लेते हैं, ऐसे मजा भी लेते हैं, और ये जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आज नाजिया इलाही खान सर्वोच्च न्यायपालिका भी जा रही है, आज नाजिया इलाही खान द ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट भी जा रही है, आज नाजिया इलाही खान सारे लोअर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा रही है। है किसी के पिछाड़ में ताकत या कोई असली बाप का जना पैदा हुआ है तो आ जाए कोर्ट, आके मुझसे सामने सामने बात करे, पर नहीं। तो ये जो एक ममता जंगल राज तालिबानी राज चल रहा है, इसमें हाथ साफ करने वाले यास्मीन सिर्फ तृणमूल नहीं है, सिर्फ तृणमूल नहीं है, इसमें हाथ साफ करने वाले कई नेता के दलाल है, इसमें हाथ साफ करने वाले दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी हैं, और वो उसमें हाथ साफ इसलिए करते हैं, अच्छा नाजिया मुसलमान होकर के आगे बढ़ रही है, रुको बताते हैं, टीएमसी से नाजिया को बर्बाद करने के लिए हाथ मिला लो, और जब नाजिया को बर्बाद हो जाएगी वो तो बता देंगे कि हाँ भाई टीएमसी तो तालिबान ही है, टीएमसी तो बहुत बुरा है, टीएमसी तो बहुत खराब है। तो ये एक स्ट्रैटेजी चलती है, ये एक स्ट्रैटेजी चलती है पश्चिम बंगाल। आप पश्चिम बंगाल के किसी आदमी से सिर्फ फोन करिएगा, सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बता रही हूं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि औरत का रुतबा वेस्ट बंगाल में क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूं। आप वेस्ट बंगाल में फोन किसी को भी फोन कीजिए, आप नाजिया जी को जानते हैं या जानती हैं? हाँ हाँ जानते हैं ना, बहुत अच्छी है, उन्हें खूब भालो, एक बार जेल गए थे उन्हें, मतलब वो बहुत अच्छी है, मुंह की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे केसेस देखती है, पर वो एक बार जेल गई थी। वो आप पूछिएगा नहीं, पर वो बताएंगे और वो बताएगी, वो इंटेंशनली बताएगी। तो ये जो जंगल कानून है, ये जो जंगल राज है, और यहाँ के जो लोग जो इतनी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उसका सिला कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी अब मिल रहा है। कहते हैं ना, कर्मा इज अ बूमरैंग, आप जैसा बोते हो आप वैसा ही पाते हो, और अगर आप नहीं पाते हो तो आपका बच्चा पाएगा जरूर, आपके माता पिता पाएंगे जरूर, आपके घर में बैठी बीवी या आपका घर का बैठा शौहर पाएगा जरूर। तो आज आप देखो कि मणिपुर पर छाती पीटने वाले सारे विपक्षी दल तो मुंह में बताशा लेकर के बैठे हैं, लेकिन कूच बिहार में एक मुसलमान महिला का 2 किलोमीटर न्यूड परेड कराया गया, उसको नंगा करके मारा गया, उसकी साड़ी खोली गई, उसका गैंगरेप किया गया, उसका न्यूड वीडियोग्राफी हुआ, और फिर उसकी डेड बॉडी उसकी डेड बॉडी के दोनों टांग को चीर करके उसके यूट्रस और वर्जाइना का वीडियो किया गया, तो सारे लोग और सारी महिलाएं आज बड़ी बड़ी आनंद में चुप है। पर जो चुप है उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भरोसा है कि कल आपके साथ नहीं हो सकता है। नेता का चप्पल चाटना कुछ महिलाओं को बहुत पसंद आता है, सही तरीके से विरोध करना, सही तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ आवाज उठाना, ये यहां की महिलाएं नहीं करती है, नहीं करती है। इसलिए जंगल राज चल रहा है, इसलिए तालिबानी राज चल रहा है। कितने प्रदर्शन हुए पश्चिम बंगाल में कि हमीदुल रहमान जो है उसने शरिया कानून घोषित कर दिया बंगाल में, कितने प्रदर्शन हुए बताएं आप मुझे, कितने पीआईएल कलकत्ता हाईकोर्ट में गए, मात्र सिर्फ मेरा एक
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने पश्चिम बंगाल के जो हालात है उनको कैसे एक्सपोज किया, जहां पे घुसपैठियों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पूरी तरह से वो मुगलिस्तान बन चुका है, जहां पे शरिया कानून जो है वो लागू हो चुका है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।